हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह हो चुकी है, मॉर्निंग टाइम, और बच्चों का स्कूल का टाइम। तो बस लोग को बच्चों को मैंने पास्ता बोला था, तो आज पास्ता बन रहा है। और आज है दिन फ्राइडे, और आज व्रत भी है, सप्तमी का है। तो सप्तमी मैं, दीक्षा और ये तीनों लोग व्रत हैं, और बस दीपू देव दो लोग हैं, इनको स्कूल भी जाना है। तो मैंने कहा चलो पास्ता बना देती हूँ। तो एक तरफ रखे मैंने बॉयल होने के लिए, दूसरी तरफ कढ़ाई चढ़ा दी। तो इसमें सब्जियाँ थोड़ी ज़्यादा डालूँगी, क्योंकि अगर हम कोई ऐसी चीज़ें जैसे नूडल्स हो गया, पास्ता हो गया, ये सब देते हैं बच्चों को, तो इसके साथ अगर सब्जियाँ ऐड कर देते हैं ना, तो वो उतना ज़्यादा मतलब नुकसानदायक नहीं होगा। कुछ ना कुछ तो उसमें हेल्थ बेनिफिट मिल ही जाएंगे उन लोगों को। तो इसलिए बस मैंने शिमला मिर्च और थोड़ी सी पत्ता गोभी और टमाटर और अदरक मिर्ची ये सब डाला है। और क्योंकि लहसुन प्याज डालना नहीं है, माता रानी का दिन है, तो बस वो से सब चीज़ें नहीं ऐड करी। और इसमें कुछ मसाले ऐड कर दे रही हूँ, हल्दी, धनिया, गरम मसाला, लाल मिर्ची, ये बहुत थोड़े थोड़े से डाले हैं मैंने। और देव बोल रहा था, मम्मी, मेरा एक फ्रेंड बोल रहा था कि उसकी मम्मी बोली कि अभी बीत जाने दो नवरात्रे, तब बनाऊंगी, क्योंकि अभी लहसुन प्याज नहीं पड़ेंगे, पर आपने तो बना दिए। तो मैंने कहा कई चीज़ें मतलब ज़रूरी नहीं कि लहसुन प्याज डाल के ही बनाए, उसको मतलब उसको छोड़ के बाकी सारी चीज़ें डाल के बना देंगे, तब भी इतना ख़राब नहीं बनता है। और बच्चों को बिना लहसुन प्याज के भी बहुत टेस्टी लगा। और बस बन गया है, इसमें ऊपर से हरा धनिया डाल दूंगी। और टिफ़न में, सिर्फ टिफ़न में दिया था, घर के लिए मैंने सुबह रोटी बनाई थी, दही और रोटी, ये नाश्ते में दे दिया था। और अभी बन रहा है मेरा फलाहार, मतलब व्रत वालों के लिए बन रहा है। जिस दिन अगर घर में व्रत और खाना दो चीज़ होता है ना, डबल काम हो जाता है, खाना भी बनाओ और फलाहार भी बनाओ। तो आज यही हो रहा है। अभी मैंने बस आलू डाली है, आलू फ्राई कर रही हूँ। इधर वही जो फलाहारी चावल आते हैं ना, सांबे के चावल, कौन से वो मैं मतलब यहाँ आके मैंने देखे ना, पहले नहीं मिला करते, अब तो बहुत सारी चीज़ें मिलने लगी हैं व्रत वाले दिन के लिए ना। लेकिन बीच में मैंने सुना था कुट्टू का आटे से मतलब कितने सारे लोग बीमार हुए थे, तो पता नहीं क्या मिलावटी था, ख़राब था, एक्सपायर था, बहुत सारे लोग बीमार भी हुए। तो यहाँ पे मैंने सिंपल घी में आलू फ्राई किए, इसमें काली मिर्च और अब से वो फलाहारी नमक आता है ना, बस वही डाला है, और एकदम लाल लाल उनको भूज दिया है। तो बस अभी दोपहर के बाद का समय है, बच्चों के आने के बाद का कुछ काम है, तो मैं और ये दोनों लोग ही निकले हैं। लेकिन बड़ी कड़ी धूप है, इस कड़ी धूप में ना कहीं अब निकलना यही होता है गर्मियों में, कि इतनी तेज ठंडियों में इंतज़ार करता आदमी, थोड़ी धूप हो जाए तब निकलते हैं घर से, थोड़ा कम ठंडा लगेगा, और गर्मियों में तो हालत बुरी हो जाती है। तो अभी हम लोग आए थे जिला सैनिक बोर्ड देहरादून, सोल्जर बोर्ड होता है जो, ये देखिए। तो हम लोग का काम हो गया जो आए थे, और काफ़ी तेज़ धूप है, आज फास्ट भी है हम लोगों का। तो अब यहाँ से निकलेंगे घर के लिए। कल मेरे जब मेले में गई थी ना, पूरे बाल उलझ गए थे, खुले हुए थे, इसीलिए आज मैंने बालों का ऐसे ऊपर करके लगा लिया ताकि बाल ना उलझे। निकालिए, चलते हैं घर, क्योंकि बच्चे जैसे स्कूल से आए ना, वैसे ही हम इधर चले आए। और दीक्षा भी गई थी कॉलेज, वो भी नहीं थी, तो अभी फ़ोन करके मैंने पूछ लिया दीक्षा आ गई कि नहीं आ गई, बात कर लिया था मैंने। अब निकलते हैं। तो बस ये देहरादून का घंटा घर है, और हम लोग वापस निकले हैं। और आजकल जगह जगह पर गर्मियों में ना गन्ने का जूस मिलता रहता है, तो एक अच्छी जगह देख के इन्होंने रोक दिया है, और हम लोग वेट कर रहे हैं। और बिना नमक का साफ बोल दिया है कि व्रत वाला बनाएंगे और डिस्पोजल वाली गिलास में पियेंगे। और यहाँ पर जब गन्ना पेर रहे थे ना, मुझे एक मैसेज का याद आया, आप लोगों ने भी शायद पढ़ा या सुना हो, कि बहुत ज़्यादा मीठा होना भी नुकसानदायक है, कि जब तक लास्ट बूंद निकलती रहती है तब तक इसको बार बार डाल के पेरते हैं। तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा मीठा जो बोलते बहुत सीधे होते, उनको भी बहुत ज़्यादा पेरा जाता है, कई जगह वो फंस जाते हैं सीधे होने के चक्कर से, इसलिए ठीक ठाक रहना चाहिए। ये लीजिए, गन्ने का जूस आ गया है, आप लोग भी पीजिए पहले, उसके बाद मैं पीती हूँ। तो आने के बाद दीपू ने जूस पी लिया,
सबने पी लिया, दीपू ने, दीपू कह रही उस दिन की तरह कहीं मम्मी धोखा तो नहीं दे रहे हो गन्ने का जूस बोलकर। ये देखिए देव ने मेरी ड्राइंग बनाई है, देव की ड्राइंग मेरे काफी अच्छी है। दीपू कह रही अरे वाह तुमने बनाया है, तो ये बच्चे अपना काम कर रहे हैं जो होमवर्क मिला हुआ है। और कपड़े देखे ला के ऐसे ही रखे हुए हैं, कपड़े नहीं कल के कपड़े रखे हुए हैं, आज मैं रख नहीं पाई हूँ तो इनको रखने भी हैं। और इसके बाद भी कल आज सप्तमी का व्रत है, फैन चल रहा है, पता नहीं आवाज़ कैसी जा रही होगी, लेकिन अब गर्मियाँ हो गई हैं तो फैन चलने लगे हैं। अब दो चार बातें कर ही लेती हूँ। तो कल जैसे कन्या खिलाते हैं तो आज उसके लिए कुछ तैयारी वगैरह करनी है, वो भी है, और अब आरती का भी टाइम होने वाला है। तो बस चलते हैं, देखते हैं क्या क्या कर लेते हैं अभी। और हम लोग अभी छत पे आ गए हैं, और आज मैं रात में आप लोग को फूल दिखा रही हूँ, रात में भी इतने प्यारे लग रहे हैं। और ये गुलाब के फूल इतने सारे खिले थे उतने ही चढ़ाने के बाद ना, उतने अभी पेड़ में भी हैं। डेली इस समय इतना अच्छा लगता है ना, बहुत सारे फूल, तरह तरह के बहुत फूल खिले हैं हमारे छत पे, और खूब डेली ढेर ढेर सारे फूल, गुड़हल का फूल भी डेली खिलने लगा है। कई फूल हमने माता रानी को चढ़ाए हैं, तो हम माता रानी के दिन जाने वाले हैं। दुख भी हो रहा है, और सप्तमी है आज का व्रत है, अष्टमी को हम लोग कन्या खिला देंगे, तब से फिर ये बंद हो जाता है आरती। और मेरे जौ देखिए कलश के ऊपर, नारियल के ऊपर पहुँच चुके हैं, और खूब घने हरे भरे से हैं, और अच्छा लगता है इन्हें देख के, बड़ी खुशी सी मिलती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं जितना हरा भरा घना बढ़िया निकलता है उससे बहुत ज़्यादा अच्छे मतलब संकेत होते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे दिल में नहीं आती हैं, क्योंकि कई बार जौ वगैरह ख़राब भी होते हैं तो अच्छे से नहीं निकलते हैं, ये सब मन में नहीं सोचना चाहिए। लेकिन फिर भी जब वो हरा भरा जौ निकलता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और रात का भी मेरा फिर फलाहार बन रहा है, बच्चों को दे दिया था कुछ, दोपहर की खाने की चीज़ें बची थी और कुछ फलाहार वाला दे दिया था। और यहाँ पर दीक्षा को उस दिन साबूदाने की खिचड़ी जो है बहुत अच्छी लगी थी तो वही बना दी हूँ, और खीर बना दी थी। और यहाँ पर सुबह की तैयारी हो रही है तो चने भिगा रही हूँ सुबह के लिए, क्योंकि जब कन्या पूजने हैं तो चने तो ज़रूर बनते हैं, तो रात में ही ध्यान करके भिगा दूँ, बाकी और सब चीज़ तो सुबह हो जाएंगी। तो दोस्तों हो गई हूँ खाली, साढ़े 10 बज चुके हैं, बहुत भाग दौड़ रही आज पूरे दिन, कल भी भाग दौड़ रही, आजकल कुछ ज़्यादा ऐसा हो रहा है। कल भी माता रानी का दिन है, पूजा पाठ वो भी है, सुबह फिर जल्दी उठना है, रोज़ से पहले उठना है, वो कल करूँगी। और आज अभी मैं इस वीडियो को एंड करूँ, और साथ में जो कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँगी, नहीं तो सोच रही थी कि सो जाऊँ, रहने देती हूँ, लेकिन फिर मन में आया कि मैं कर दूँ इस वीडियो का एंड, और जो थोड़ी बहुत चीज़ें शॉपिंग करी थी वो मैं आप लोग को दिखा दूँ तो मेरा भी मन हल्का हो जाएगा, आप लोग से शेयर कर लूँगी। तो जो मेरे की मेन चीज़ें हैं वो पहले दिखा देती हूँ, बाद में एक दो चीज़ें हैं जो मैंने इधर उधर से ले ली वो आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने लिया है, ये देखिए कैसी है ये, बहुत सारे वहाँ कांच के मिल रहे थे बर्तन तो और तो कुछ नहीं, ये मैंने लिए थे ग्लास का सेट है 6 का, ये बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, ऐसे ग्लास वैसे सिंपल तो बहुत सारी थी मेरे पास, इस तरह की नहीं थी, इनको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, हल्का सा ऐसा है ना कि ऐसे हुआ रहता है, लेकिन ये है कि कोई भी चीज़ अच्छी लगी तो फिर मन किया कि ले लेती हूँ मेले से, तो ये मैंने ग्लास का सेट लिया है। और ये देखिए ये दो ऐसी कटोरियाँ हैं छोटी छोटी सी, और दीक्षा बर्तन धुल रही हैं, देव साथ में, उससे पहले दीपू ने, और मैंने गैस वगैरह साफ कर ली थी, तो मैंने कहा जब तक ये लोग करेंगे तब तक मैं वीडियो एंड कर लूँगी। और ये देखिए ये इतनी छोटी छोटी सी कटोरियाँ हैं ना, ये मैं मंदिर में रखूँगी, और बचेंगी तो किचन में भी रखूँगी अपने भगवान जी को भोग वगैरह लगाने के लिए, तो अच्छी लग रही थी तो मैंने ये छोटी छोटी 6 कटोरियाँ ली हैं, और एक छोटी सी ग्लास ली है, बहुत सुंदर लग रही थी अपने कान्हा जी के लिए छोटी सी, तो ये है। और उसके बाद दो ट्रे, ये काफी बड़ा ट्रे है, कभी कभी जरूरत लगती है बहुत बड़ी मतलब जैसे रखने के लिए, जब जैसे अभी मम्मी डैडी लोग सब लोग आए थे, भैया भाभी लोग, तो बनाओ तो आता ही नहीं था छोटा ट्रे से, तो मैंने कहा एक बड़ा ट्रे लेती हूँ और एक और छोटा सा ट्रे लिया है। तो ये मेरी मेले की शॉपिंग,
और ये आज अभी जब मैं गई थी ना तो कन्या खिलाएंगे उसके लिए प्लेट हुआ, बेलसिन का एक पैकेट हुआ, मिठाई है, फल फ्रूट 5 तरह के, पान के पत्ते और भी ऐसे ही छोटी मोटी कई चीज़ें थी जो कि कल मुझे ज़रूरत पड़ेगी, वो आज शॉपिंग अभी करके लाई थी, वो रखा हुआ है साइड में। तो वहीं पे ये मुझे छन्नी दिखी, तो आप लोगों में से किसी का कमेंट आया था कि प्लास्टिक की छन्नी में ना छाना करिए, तो मुझे ये दिखी भी। वैसी छन्नी मैंने कई बार खरीदी जो एक गोली गोली सी आती है, वो आज भी थी मार्केट में, पर वो वाली छन्नी में क्या होता है ना, वो चाय छानो तो अगल बगल गिरता है, इसीलिए मैं उसको बंद कर दी थी और टूट भी गई थी, फिर मैंने उसको खरीदी नहीं। मैंने वो वाली छन्नी से अच्छा वो प्लास्टिक की छन्नी रहती, छानते बनता था, लेकिन इसकी डिजाइन अच्छी थी और ये अच्छी वेटेड छन्नी है और दाम भी ठीक ठाक इसके वेट के हिसाब से स्टील की है, तो लगा था ये पड़ी थी मुझे, बाद में आप लोग प्राइस पूछेंगे, इस पर तो लिखा है 172 की, पर ये 120 रुपये की पड़ी छन्नी। तो अब मैं इससे चाय छानूंगी। और एक ही मैंने बेडशीट ली मार्केट में ही, मतलब शॉप पे अच्छी लग गई मुझे, और मेरी बेडशीट भी गर्मियाँ आ गई थी तो थोड़ी सी हो रही थी पुरानी से, तो मैंने कहा एक बेडशीट नीचे खोल रही, मुझे ऐसा लग रहा आप लोग को दिख रही होगी। तो ये इस तरह की है, लाइट कलर की बेडशीट है, तो ये जब बिछाऊंगी तब आप लोग देख लेंगे। तो बस ये मेरी इसका ये पिल्लो कवर इसी में लगा हुआ है पैकेट में, तो ये सब चीज़ें दिखा दी, आप भी खुश मैं भी खुश। चलिए इस वीडियो को यही एंड कर देते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, भर भर के लाइक कर दिया करिए, मैं भी मन खुश हो जाता है, लाइक जितने अच्छे आते हैं ना उतना मन खुश होता है, तो उसमें कंजूसी मत किया करिए। और सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, और फिर बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।